खबर कच्छ से है। यहाँ पर कच्छ में जनरल मजदूर संघ ने एक बार फिर मछुआरों के लिए डीबीटी के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव रखा है। पहले दिन दीनदयाल बंदरगाह द्वारा मछुआरों के साथ जो अन्याय किया गया था, उसके लिए मछुआरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के मछुआरों को इकट्ठा किया गया और लड़ाई लड़ी गयी, जिसके बाद मछुआरों को दीन से संतुष्ट किया गया। दयाल बंदरगाह के अधिकारियों ने चेतावनी भरा जवाब दिया है, लेकिन कोई लिखित आवंटन पत्र नहीं दिया गया। आज एक बार फिर दीनदयाल बंदरगाह के अधिकारियों की ओर से सवाल उठाया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के मछुआरे भी शामिल रहे और कहा कि न्याय और जमीन मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। मेरा नाम संतोष मिश्रा है और मैं कच्छ जनरल मजदूर संघ अध्यक्ष हूँ। आज आप यहाँ पे आए हो क्या? एक्चुअली हमारी जो कच्छ जनरल मजदूर संघ की फिशरी सेक्शन कमिटी है, और पिछले आप सबको ज्ञात होगा मीडिया के बंधुगण को कि 5 सितंबर को कांडला पोर्ट प्रशासन ने सैकड़ों बुलडोजर लेकर के 500 से ऊपर पुलिस वाले को लेकर के जो फिशरमैन थे, जो छोटे छोटे मजदूर वर्ग कांडला पोर्ट में काम करते थे, उनका घर को ध्वस्त किया था। आज हम जितने भी फिशरमैन हैं कांडला कॉम्प्लेक्स के, चाहे वो खारी रोड के हों या फिर चिरई के हों, हम सब मिलकर जो है अपनी एक मजबूत कमेटी बनाए हैं, और हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के मॉनिटरिंग में आज हम लोग पोर्ट प्रशासन से बात करने आए थे। आज हमने स्टेट मैनेजर रेड्डी साहब से मिला, हमने लेबर ऑफिसर्स रवि महेश्वरी से मिले, और चेयरमैन साहब जो है उनका कहना था कि हम बाहर जा रहे हैं, जबकि हमने एक ही जगह देखा है कि दूसरे यूनियन से मिल रहे हैं और हम लोगों को टाल रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि जब भी भारतवर्ष में मजदूर की बात आती है और कांडला जो विकास की दौर की रूपरेखा तय कर रही है, उसमें मजदूर का स्थान नगण्य दिख रहा है। तो हमारे आज जितने फिशरमैन हैं, हम लोग आगामी रणनीति तय करेंगे कि पोर्ट प्रशासन की उदासीनता और इनको जो भटकाने की नीति है, अभी हमारे जो 1000 से ऊपर परिवार थे, जिसमें से कुछ लोगों को इन लोगों ने GIDC एरिया में बसाया है बगैर किसी पानी का, बगैर किसी लाइट का, और कुछ लोगों को खारी रोड में समुद्र के किनारे क्रीक में बोला कि आप लोग घर बना लो। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कांडला पोर्ट का, इसके लिए हम लोग आज मेमोरेंडम देने आए थे। कच्छ गुजरात से रतन मुकेश की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।